कांग्रेस का डेलीगेशन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मिलने के लिए आया है और कांग्रेस की जानिब से यह डिमांड है कि केसीआर साहब 1,000 करोड़ रुपए इमीडिएट माइनॉरिटीज़ के लिए रेज करें। आज मेरे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के जूड़ी भाई आए हुए हैं, सिख कम्युनिटी के जोगिंदर सिंह साहब आए हुए हैं, मैं उस्मान मोहम्मद खान आया हुआ हूँ, मेरे साथ अयाज भाई आए हुए हैं, रसूल भाई है, समद है, हाजी है, काफ़ी कांग्रेस के लीडर्स है यहाँ पे हम आए हुए हैं, हमारे सीपीएम के भी लीडर्स आए हुए हैं यहाँ पे। आज हम यहाँ आके रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और डिमांड करें हैं चेयरमैन साहब से कि 1,000 करोड़ आप कम से कम करिए। 2015 से 2016 में 200 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ के लिए निकले थे। माइनॉरिटीज़ मतलब माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम कम्युनिटी आती है, सिख कम्युनिटी आती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है, जैन कम्युनिटी आती है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी आती है, पारसी कम्युनिटी आती है, इतने कम्युनिटीज़ के लिए ये माइनॉरिटीज़ कहा जाता है और इन तमाम के लिए ये बजट निकला था। उसके बाद 2016 से आज 2022 से कोई बजट नहीं निकला, लिहाजा माइनॉरिटीज़ के 1200 करोड़ रुपये केसीआर के पास माइनॉरिटीज़ के रखे हुए हैं। केसीआर साहब को चाहिए वही पैसों में से 1,000 करोड़ इमीडिएट अभी रिलीज़ करें। हम आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे हैं, हमारा जो हक है, हमारा जो बजट निकलता है उस बजट को आप बढ़ाए भी नहीं, 16 से बढ़ना चाहिए बजट, फिर भी हम 1,000 करोड़ का डिमांड करें। ये 50 करोड़ रुपये जो पूरे तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में बटना बोल रहे तो मजाक है, ऊंट के मुंह में राय के बराबर है ये। और माइनॉरिटीज़ के साथ मजाक करना केसीआर की एक आदत बन चुकी है, हर वक्त केसीआर माइनॉरिटीज़ के साथ मजाक करते हैं। वो केसीआर है ये जो 12% रिजर्वेशन देते बोल के 3% पे केसीआर रिजर्वेशन को ला दिए। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद अली शबीर साहब का जो 4% रिजर्वेशन ला के माइनॉरिटीज़ को एक ऊंचे मुकाम पर लाए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स बनाए, और आप आज भी सुप्रीम कोर्ट में अपने खुद के पैसों से इसको जू का तू रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये रिजर्वेशन को सलमान खुर्शीद साहब खुद दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस के कारनामे हैं। आप केसीआर साहब मुसलमानों को 50 करोड़ रुपये देकर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज़ की बेइज्जती कर रहे हैं, और ये पैसे ना सैंक्शन होने वाले हैं ना मिलने वाले हैं, क्योंकि एक एक मंडल में अभी तक 40,000 अप्लीकेशंस आ गए, अभी 15 दिन 10 दिन 8 दिन बाकी है, अप्लीकेशंस आ गए और ये अप्लीकेशंस को पूरों को मिलना है। चेयरमैन साहब तय खून दिए कि भाई हम एक 70 करोड़ और बढ़ा दिए, 70 करोड़ से भी कुछ नहीं होता, जिसमें से आप वापस भी पैसे ले ले रहे हैं। 50 करोड़ रुपये में से भाई मैं आपको बता दूं, सब्सिडी कटे बाद 15 करोड़ हम इनको वापस दे दे रहे हैं। 35 करोड़ का लोन एक माइनॉरिटीज़ के साथ मजाक है। तो हम कांग्रेस की जानिब से इनको डिमांड करें हैं कि आप इमीडिएटली अमाउंट बढ़ाइए और डेट बढ़ाइए, और ये जो पैसे 1,000 करोड़, ये इमीडिएटली 1,000 करोड़ फरवरी तक डिसबर्स हो जाना चाहिए। इसमें आपको मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे चीज़ है, मंडल पे लोग जा रहे हैं, अपने अपनी एक दिन की नौकरी छोड़ के गरीब लोग आस में जा रहे हैं, ब्रोकर्स के पास जा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट निकालने, राशन कार्ड किसी के पास नहीं है तो क्या उसको नहीं मिलेगा? वाइट राशन कार्ड काफ़ी लोगों के पास नहीं है। आप ऑनलाइन में भी राशन कार्ड बंद कर दिए। बहरहाल आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना के मंडलों पे फिरा रहे हैं। इससे पहले 1.5 लाख अप्लीकेशंस आए थे, 1.5 लाख की रद्दी बेच ली है आप केसीआर साहब माइनॉरिटीज़ की, वो रद्दी के भी पैसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। आप आवाम को सिर्फ धोखा दे रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं दे रहे हैं। आप TRS से भी BRS हो गए, आगे चल के आप क्या होते अल्लाह बेहतर जानता। माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ करिए, इमीडिएटली 1,000 करोड़ रुपये अगर आप ये सैंक्शन नहीं करेंगे, माइनॉरिटीज़ को इसका अगर बजट नहीं मिलेगा, तो हम तमाम तेलंगाना में आपको इसका असर बताएंगे और वक्फ बोर्ड पे यहाँ पे चेयरमैन साहब के पास हम घेराव करेंगे, माइनॉरिटी मिनिस्टर कोप्पला ईश्वर साहब के पास हम घेराव करेंगे, घेराव करके बताएंगे आवाम क्या होती है, माइनॉरिटीज़ क्या होती। आप हर वक्त माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा दे रहे हैं, ये मत करिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जय हिंद, जय कांग्रेस। यहाँ पे लेडीज फॉर्म भरने के लिए आ रही है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? अगर वैसा हो रहा तो आप बिल्कुल उसके लिए कंप्लेन करना चाहिए। और फॉर्म का रह गया दूसरी चीज़, माइनॉरिटी चेयरमैन साहब को भी एक 5 आदमी को अपॉइंट करके देखिए, अगर वाकई पढ़े लिखे रहते थे तो एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर के लिए जाते थे। माइनॉरिटी लोन्स जो आप इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, तो वो हमारे ठेला बंडी वाले भाई अगर आएंगे कोई
कोई अगर पांडवे वाला भाई आएगा तो उनकी थोड़ी हेल्प करना चाहिए, उनको फॉर्म फिलअप करके देना चाहिए, ऑनलाइन भी है। दूसरी चीज़ ये है भाई कि तमाम हैदराबाद के MLAs जो भी है, आप लोग लिख लीजिए, मंडलों में जाइए, वरना हमारी कांग्रेस की टीम हर मंडल में जाएंगी, बराबर लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कराएंगी। इस टाइम पे अगर आवाम को हम साथ नहीं देंगे तो आवाम भी फिर आपको साथ नहीं देंगे। मैं खुद बोला ना, मैं खुद ऊपर उनको चेयरमैन साहब को यही बोला, आप आधार कार्ड लीजिए, लाइट का बिल लीजिए, इंक्वायरी करवाइए, आप पर्सनल आपकी टीम भिजा के इंक्वायरी कराइए। पसमानदे लोगों के पास बहुत कुछ नहीं रहता। ऐसा है कि राशन कार्ड, एक 30,000 की बाइक भी ले ली तो राशन कार्ड में से नाम कट गया। तो बहरहाल ये नाइंसाफ़ी के लिए अगर आप हम नहीं लड़ेंगे, ये आज मीडिया की आवाज़ है, आज ये हमारी खुद आपकी कोशिश है कि आज उन्होंने 70 करोड़ रुपये बढ़ा दिए, वरना ये वो भी नहीं बढ़ाते थे। और 70 करोड़ रुपये भी बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, 1,000 करोड़ हमारे पैसे हम पूछ रहे हैं, वो मिलना चाहिए। थैंक यू भाई।